बारिश का मौसम शुरू होते ही हम सभी को एक ही चीज याद आती है, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल सुपर क्रिस्पी टेस्टी मूंग दाल वड़ा। इसको हम पकौड़े भी बोलते हैं। बारिश शुरू होते ही सभी को पकौड़े की याद आती है। दाल वड़े के पकौड़ों में मैंने एक ऐसी चीज डाली है जिसे इसका स्वाद और दुगना हो जाएगा। बिना सोडा यूज करके बनाने वाली हूँ। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मृणाल्स किचन में। मूंग दाल वड़ा या पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेंगे 1 और आधा कप मूंग दाल। जो हरी वाली दाल होती है ना, छिलके वाली, वो हमें 3-4 घंटे के लिए भिगो के लेना है। तो मैंने पहले से ही दाल को भिगो के लिया था और सारा पानी निकालने के लिए छलनी में इसको छान के लिया है। और देखिए, दाल बढ़िया सी फूल गई है। आप पीली वाली मूंग दाल भी ले सकते हैं, पर आप ओरिजिनल टेस्ट लाने के लिए यही दाल को यूज करना है। दाल का सारा पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही आप दाल को मिक्सी में से पीस के लेंगे। आपने पानी के साथ इसको पीस लिया तो पेस्ट इसका पतला होगा और फिर दाल वड़े को कोई टेक्सचर नहीं आएगा और ना ही इसको स्वाद आएगा। दाल को यहाँ हमें दरदरा पीस के लेना है। इसे हमें पीसते वक्त थोड़ा रुक रुक के मिक्सी को चलाना है। आप इसे कंटिन्यूसली नहीं पीसेंगे, नहीं तो वो पेस्ट बन जाएगी। इस तरह 2 बार चला के इसको निकाल देंगे। ये देखिए, आप इस तरह से दाल को पहले हमें पीसना है। इसमें से लगभग 1 कटोरी दाल मोटी मोटी हम निकाल लेंगे। जैसे कि हमारी दाल वड़ा है, इसको बाजार वाली मूंग दाल वड़ा का टेक्सचर आ जाए और क्रिस्प आए। इसको अभी अलग रख देंगे, इसको बाद में यूज करेंगे। बची हुई दाल में डालेंगे 6-7 लहसुन की कलियां, अदरक, ये लगभग 1 इंच अदरक है। तो इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अब दाल को मोटा मोटा यानी कोर्स पीस के लेंगे। ये लीजिए, दाल दरदरी पीस के हो गई है। इस तरह का पीसना है, बिल्कुल दरदरा टेक्सचर रहेगा तो बहुत ही क्रिस्प दाल वड़ा तैयार होंगे, मजा आएगा खाकर। और ये देखिए, बिना पानी ऐड किए दाल इजीली यहाँ पीस के ले ली है। अब आपके पास विस्क या स्पून से इसे फेंट के लेना है। इसके वजह से हमारे पकौड़े ज़्यादा क्रिस्पी जालीदार बनेंगे बगैर सोडा के। इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटते जाएंगे। अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे तो दाल का रंग बहुत ही लाइट हो गया है और दाल बहुत ही फ्लफी हो गई है। दाल वड़ा को एक बढ़िया टेस्ट देने के लिए इसमें डालेंगे स्पेशल मसाला। गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च। इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया भी ऐड करना है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने धनिया पाउडर यूज़ कर ली है। लो फ्लेम पर सभी चीज़ों को अच्छे से भून के लेंगे। इसको आप पीस के वड़े में डालेंगे तो इसकी टेस्ट और भी डबल हो जाएगी। ये लीजिए, हमारे मसाले अच्छे से भून के हो गए हैं। गैस को करेंगे बंद, हल्का सा ठंडा करने के लिए रख देंगे। तुरंत इसको मिक्सी में से दरदरा पीस के लेना है। लीजिए, इस तरह से दरदरा पीस के हो गया है। मैंने यहाँ साबुत धनिया के बदले धनिया पाउडर यूज़ की है। अभी बैटर की तरफ मुड़ेंगे। हमने जो दरदर वाली मूंग दाल पीस के रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे। साथ ही में डालेंगे हमने तैयार किया हुआ मसाला, लगभग 1.5 बड़े चम्मच। दाल वड़ा को एकदम बढ़िया बनाने के लिए हम ऐड करेंगे 1 प्याज जो हमने यहाँ बारीक काट के लिया है, 2 हरी मिर्च यहाँ हमने काट के लिए है। आप तीखा पसंद नहीं करते हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हरा धनिया, इसके बाद जाएगा स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हींग। अभी सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लेंगे। ये देखिए, एकदम मस्त टेक्सचर आ गया है। जैसे पकौड़े में बनता है ना, वैसे ही सेम कंसिस्टेंसी हमें यहाँ रखनी है। और ऐसे लग रहा है कि आपका बैटर पतला हो गया है तो आप घबराइएगा नहीं, इसमें आप चावल आटा ऐड कर सकते हैं। और आटा ज़्यादा भी मत डालिएगा, नहीं तो आपके दाल वड़ा ज़्यादा अंदर से हार्ड हो जाएंगे। इस तरह से अभी हाथ में मिक्सर को लेंगे, गोल गोल बना के गर्म तेल में डाल दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप डीप फ्राइड कोई भी चीज़ करते हैं तो तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अभी इसको लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है।
इसके अंदर तक हमारे मूंग दाल वड़ा अच्छे से सेक जाएंगे। इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, अपने आप ऊपर आ जाएंगे। इसको हल्के हाथ से घुमाते रहेंगे, बढ़िया गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे और बाहर से ज़्यादा लाल हो सकते हैं। एक बार तो मैंने फ्राई करके पकौड़ों को निकाल लिया है, अभी दूसरी बार फिर से तेल में पकौड़े का मिक्सचर डालेंगे और अच्छे से अंदर तक सेक लेंगे। तो हमारे कुरकुरे करारे क्रिस्पी मूंग दाल वड़ा है तैयार। और लीजिए हमारे ज़बरदस्त क्रिस्पी टेस्टी मूंग दाल वड़ा, जिसे हम इस मौसम में बनाना तो ज़रूर बनता है। और लीजिए हमारे ज़बरदस्त टेस्टी कुरकुरे करारे दाल वड़ा बिल्कुल तैयार है। और देख सकते हैं मैं बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, ज़बरदस्त टेक्सचर ये देखिए, अंदर से बने हैं ना स्पॉन्जी। यहाँ पकौड़े को सॉस या पुदीने की चटनी के साथ या ऐसी भी खाओगे तो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और सबको खिलाइए। अब है अगले रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।